कि दो व्यक्ति जो इस कंट्री के लिए सबसे घातक हो गया है, नरेंद्र भाई और अरविंद भाई, ये दो व्यक्ति संविधान के लिए भी घातक है, लोकतंत्र के लिए भी घातक है और इस देश के सॉवरन कल्चर के लिए भी घातक हो चुका है। दोनों ने अच्छे तरीके से देश की जनता का पैसा अपने फेस चमकाने और सियासत के लिए कर रहे हैं। लंबे समय के बाद पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच मुलाकात हुई और चर्चाएं हुई तो देश की राजनीति को लेकर। सीधे तौर पर जाप सुप्रीमो ने कहा कि लालू यादव का रहना, जो इस वक्त जो देश के हालात हैं उसमें लालू प्रसाद यादव का जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कुछ कह रहा है जाप सुप्रीमो, पहले आप वो सुने। ये ना आप लोग अभियान लालू यादव से आप गए थे, मिलने गए थे? भाई उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ हैं, वो गए इलाज कराने के लिए। जब आप वो इलाज कराने के लिए गए हैं, अब इलाज के बाद उनको बहुत से वक्त की ज़रूरत है। किडनी ट्रांसप्लांट होना बहुत बड़ा मामला नहीं है, मामला है उसके बाद जो कैसे उनके जीवन को सस्टेन लंबे समय तक रखा जाए। उनकी आवश्यकता मैंने परसों भी कहा है कि जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, लगातार सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है टीएन सेशन के बारे में, सच में टीएन सेशन जैसे चुनाव आयोग की ज़रूरत है इस कंट्री को, जो पीएम को चैलेंज कर सके। नहीं, आप लालू जी से मिले लंबे समय के बाद, बात क्या हुई? भाई लालू यादव जी से पुरानी बात हुई सर, इधर भी मम्मी पापा, घर परिवार, बेटा बेटी, मिसा जी थी। मैं उम्मीद करूंगा कि लालू यादव जी स्वस्थ हो करके लंबे समय तक देश के एक विचारक बने, देश के विपक्ष की भूमिका को नेतृत्व करे और इस कंट्री में कैसे जो आज हालात हैं कंट्री के, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि दो व्यक्ति जो इस कंट्री के लिए सबसे घातक हो गया है, नरेंद्र भाई और अरविंद भाई, ये दो व्यक्ति संविधान के लिए भी घातक है, लोकतंत्र के लिए भी घातक है और इस देश के सॉवरन कल्चर के लिए भी घातक हो चुका है। कौन महाठग है, कौन महा कैमरा जी भी है, कौन महा मार्केटर है, ये कहना मुश्किल है। ये दोनों ने अच्छे तरीके से देश की जनता का पैसा अपने फेस चमकाने और सियासत के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगभग इस देश में सबसे बड़े गलत पॉलिटिशियन, अब सीआई से गाइड होते हैं। आप देखिए ना, अब पंजाब की स्थिति कनाडा के द्वारा मूसा वालों को, आप हिंदुत्व की बात करते हो गणेश और भगवान की, तो अरे अरविंद केजरीवाल जी हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा चैलेंज तो पंजाब में तुम्हारी पार्टी और टेररिस्ट ने कर दिया। कौन ईरघाट, कौन बीरघाट, कौन बरका, कौन छोटका। तो ऐसे समय में जब देश भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने इंदिरा और राजीव जी के बाद जो कंप्लीट रूप से इस देश को बचाने का, जब सारी संस्थाएं को चैलेंज कर दी गई है एक व्यक्ति के द्वारा 8 सालों में, तो उन संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस और विपक्ष की है, जिसमें राहुल लालू यादव जी का हम सब के बीच में रहना बहुत ही आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 3-4 महीने के बाद लालू जी आएंगे तो निश्चित रूप से जो 2024 का चुनाव है उसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर एक बेहतर 2024 में बीजेपी को हम सब मिलकर खत्म करें। महागठबंधन में जा रहे हैं, कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, हम लोग साथ थे, हम लोग मिले, तो पहले तो नहीं मिलते थे ना, बीच में सब दिन मिलते थे, कब नहीं मिले। राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार और पप्पू यादव परिवार एक है, कब नहीं मिले। लालू यादव जी से नहीं मिलते थे लंबे समय के बाद? लालू यादव जी बीमार थे तो गए थे ना मिलने। लालू यादव जी जब कोई संकट में होते थे तो पप्पू यादव उस वक्त लालू यादव जी के साथ खड़े होने, मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर आज कह रहा हूँ, लालू यादव जी को
अब नए सिरे से राजनीति शुरू करनी होगी, ये मेरा आग्रह है। 1990 की राजनीति जो दौर है उसको खत्म करना होगा और नई राजनीति की शुरुआत देश चाहता है, और उसमें राहुल गांधी लालू यादव जी का नेतृत्व विपक्ष की भूमिका में आवश्यक है। आप भी हैं लालू यादव होगा। सीधे तौर पर जाप सुप्रीमो ने अरविंद केजरीवाल और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला और सीधे तौर पर कहा है कि ये सबसे बड़े ठग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया, और ऐसे वक्त में लालू प्रसाद यादव का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को लेकर हमारी चिंताएं हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में अपना इलाज कराने गए हैं और उसके पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात की और चर्चाएं हुई, तो सिर्फ और सिर्फ देश पर महागठबंधन द्वारा राज करने की और कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं को हटाया जाए, इस पर चर्चाएं बनी। सहयोगी अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज, SD News पटना।